खातेगांव नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 बच्चों के अपहरण होने की खबर नगर में आग की तरह फैल गई। आपको बताते चले कि गुरुवार को खातेगांव नगर के बड़ा मोहल्ला मैरिज गार्डन में शादी समारोह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। पास में रहने वाले अनीस खान के 3 बच्चे खाना खाने गए थे, जो काफी समय बाद तक नहीं लौटे, तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने तत्काल खातेगांव पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी बिना देरी किए सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए, तो पता चला कि एक शख्स 3 बच्चों को अपने साथ ले जा रहा है, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी। खातेगांव थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल एक टीम गठित की और किडनैपर की तलाश में निकल गए। करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद परिजनों एवं पुलिस की मदद से इंदौर के स्टार चौराहे पर किडनैपर से 3 बच्चों को मुक्त कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया। बताया गया है कि पूर्व में उक्त आरोपी पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 21 अपराध दर्ज है। खातेगांव से आमीन मंसूरी की रिपोर्ट। कितनी देर में पुलिस अपने काम में लग गई थी? खातेगांव पुलिस का क्या रोल रहा पूरा? हैंड टू हैंड काम में लग गई थी सर। इस चीज के लिए तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि क्या है कि आज पहली बार देखा, क्योंकि मेरे को थाने में कोई काम तो पड़ता ही नहीं है, मगर मैंने देखा तो जैसे ही यहाँ पे खबर लगी तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चालू कर दिया। उन्हें आप हैंड टू हैंड उसकी पुष्टि कर लो, मतलब पहचान कर लो। क्या कहोगे खातेगांव पुलिस के लिए? खातेगांव पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी पुलिस वालों के लिए, क्योंकि मेरी बहुत मदद। बच्चे आपके बच्चे कुशल हैं? जी हाँ, सुरक्षित है। आपका नाम? अनिस शेख। बजे के आसपास थाना खातेगांव में एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि 11 बजे के आसपास बड़ा मोहल्ला स्थित फरियादिया, जिसके 3 बच्चे उसने तैयार करके सामने ही शादी में कहीं भेजे हैं, और शादी में जाने के बाद में बच्चे वहां से एक व्यक्ति के साथ में निकल गए। इस बात की सूचना जैसे ही थाने पे मिली तो थाने पे तत्काल मामले को गंभीरता से लिया गया और धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध करके थाने की टीमें तत्काल उक्त बच्चों की तलाश हेतु लगी गई। थाने स्तर से 2 टीमें हमने लगाई थी। फुटेज देखने के आधार पर घर वालों ने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया और एक व्यक्ति एक बच्ची को गोद में लेकर के और 2 बच्चों को साथ में लेकर के जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने काफ़ी ही हिम्मत अमली से पूछताछ की और जब बस स्टैंड का कैमरा पता किया तो वहाँ पर बस संचालक और उनके कंडक्टरों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति 3 बच्चों को लेकर के इंदौर की बस में चढ़ा है। जिसने टिकट प्रथम दृष्टया टिकट उसने सतवास का लिया था, तो हमारे द्वारा सतवास के भी कैमरे चेक किए गए, किंतु सतवास बस स्टैंड पे हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं लगी। चूँकि बस इंदौर जाने वाली थी तो वहाँ से हमने हमारी टीम है तत्काल खातेगांव, कन्नौज, सतवास की टीमों को लगाकर SDOP कन्नौज और इंदौर की टीमों को एक्टिव किया। देवास से भी कुछ पुलिस ऑफिसर हमारी टीमों में जुड़े और इंदौर पे जब 3 अमली चौराहे के फुटेज लिए और फुटेज के आधार पे हमने इंदौर के सारे CCTV फुटेज जब देखे तो इंदौर के ग्रुपों में भी व्हाट्सएप पे ये सोशल मीडिया पे मैसेज काफ़ी वायरल हुआ। वहाँ के लोगों द्वारा भी हमको कई इस संबंध में कई सूचनाएँ दी गई और फाइनली पूरी रात की मेहनत के बाद में सुबह 5 बजे के आसपास उक्त 3 बच्चों को और आरोपी को हमने इंदौर से बरामद किया है। सर, किस हाल में वो बच्चे मिले आपको? बच्चे सुरक्षित हैं और बच्चे ठीक है, मेडिकल चेकअप भी उनका करवाया गया है। आरोपी की क्या मंशा थी बच्चों को? आरोपी से पूछताछ इस संबंध में की जा रही, हो सकता है उसकी कोई बड़ी मंशा हो। फिलहाल टीम सवेरे बच्चों को और आरोपी को लेकर के आई है और उसको कोर्ट में पेश करेंगे और रिमांड लेकर के विस्तृत में पूछताछ की जाएगी। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? क्या पहले कोई अपराध है? आरोपी सतवास थाना सतवास खारिया गांव थाना सतवास का निवासी है और पूर्व में भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो आपको अलग से उपलब्ध करा दिया।